सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल जिमिस चैनल को और बेल आइकन को दबाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जिमिस कज्जा एंड यू वाचिंग टेक्निकल जिमिस। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे कोई मोबाइल एप्स या कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो में बात नहीं करूंगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आप तक पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रिली फॉर रिवर के बारे में। तो आपने रिली फॉर रिवर के एडवर्टाइज टीवी में देखी होगी, न्यूज़ में पढ़ी होगी। तो एक्चुअल में रिली फॉर रिवर है क्या, उसे कैसे सपोर्ट करना है, आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल रिवर्स इन इंडिया आर एट अ डेंजरस लेवल ऑफ डिप्लीशन। दैट मींस इन अनदर 15 टू 20 इयर्स टाइम Most of our rivers will be seasonal, they will not be perennial. If you just fly over India, you look down, you will see entire India looks like brown desert. तो दोस्तों, आपने जो अभी वीडियो क्लिप्स देखी वो वीडियो क्लिप्स भारत की नदियों की थी। ये नदियाँ अभी 30-40% तक सूख गई है और अभी हमारे पास 75% से भी कम पानी बचा है। तो ये नदियाँ सूख रही क्यों रही है, ये नदियों का सूखने का मेन कारण है क्या? तो इस नदियों का सूखने का मेन कारण है पेड़ों की कटाई। हाँ दोस्तों, हर साल इतने पेड़ों की कटाई होती है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है, और बारिश ना होने के कारण ये नदियाँ सूख रही है। तो अगर इसके बारे में हमने अभी नहीं सोचा तो आने वाले कुछ सालों में ये नदियाँ कुछ अभी से भी ज़्यादा सूख जाएगी। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन लेके आए हैं ईसा फाउंडेशन के फाउंडर श्री जग्गी वासुदेवा, यानी कि सदगुरु जी। सदगुरु जी ने एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है रैली फॉर रिवर। तो दोस्तों, ये रैली फॉर रिवर वर्क कैसे करता है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और इसके उसको सपोर्ट कैसे करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो रैली फॉर रिवर एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पे हम नदियों के आसपास के 1 किलोमीटर के एरिया में पेड़ लगाएंगे, और वो ऐसे वैसे पेड़ नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ फ्रूट्स और सब्जियों के ही पेड़ लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को भी इससे मदद हो। तो इस पेड़ लगाने से होगा क्या, तो पेड़ लगाने से जो पेड़ों की जड़ें हैं, उसकी शाखाएं हैं, उसके पत्ते हैं, वहाँ पे हम जब बारिश होगी तो वो पेड़ों की शाखाएं और उसके पत्ते वहाँ पे उस शाखाओं में उसका बारिश का पानी वहाँ पे स्टोर होगा, और वो पानी हम बाद में उसे रीयूज़ कर सकते हैं। वो पानी पेड़ों की शाखाएं और ज़मीन में उस पेड़ों के आसपास के एरिया में वहाँ पे स्टोर होगा। इसी तरह हम वहाँ पे एक स्टोरेज तैयार कर रहे हैं जिसकी वजह से वो पानी हम आने वाले कुछ सालों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था रैली फॉर रिवर का मेन इनिशिएटिव। तो अब हम बात करेंगे इसके सपोर्ट के बारे में, तो हम इसे सपोर्ट कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसे सपोर्ट करने के लिए आपको कोई लिंक ओपन नहीं करनी है, आपको कोई मोबाइल ऐप ओपन नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक मिस कॉल देना है। तो आपको मिस कॉल देना है 8000-9800-9 नंबर पर। हाँ दोस्तों, इस नंबर पर मिस कॉल देने के बाद ये फ़ोन, आप इस नंबर पर रिंग लगाएंगे तो ये फ़ोन अपने आप कट हो जाएगा, और इससे आप इस इनिशिएटिव में सपोर्ट करते ऐसा रजिस्टर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इस नंबर पर मिस कॉल करें, और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें, और इस नंबर को भी जितना हो सके इतना शेयर करें। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, 8000-9800-9 पर मिस कॉल देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।